जय श्री राधे कृष्ण एवरीवन वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर कर रही हूँ पर्ल फेशियल किट फ्रॉम WLCC सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो ये किट एक ऑफलाइन परचेज है बट ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा ऑफलाइन है तो मुझे 240 में मिला डिस्काउंट के साथ मिला क्योंकि को ऑफलाइन परचेज में हमेशा डिस्काउंट मिल जाता है ऑनलाइन में मुझे कभी डिस्काउंट मिलता है कभी नहीं मिलता है इसमें टोटल छः प्रोसेसर हैं आप देख सकते हैं छः छोटे छोटे से आपको ट्यूब्स मिलेंगे उनको यूज़ करना कैसे हाउ टू यूज वो सब मैं आपको बता रही हूँ वैसे इसका प्राइस है थ्री फिफ्टी सेवन रुपीज़ यानी तीन सौ सत्तावन रुपीज़ लेकिन दो सौ चालीस में मुझे मिल गया वी एल सी सी का ब्रांड है ओरिजिनल है एंड कोर्स ट्रस्टवर्दी ब्रांड है ये सो चलिए फटाफट -फड़ से इसे स्टार्ट करते हैं एंड मैं आपको दिखाती हूँ कैसे वन बाई वन इसका प्रोसेस मैंने uh, किया एंड यूज़ किया तो आप देख सकते हैं किट के अंदर कुछ इस तरह की ट्यूब्स आपको मिलेंगी तो ये पाउचेज में नहीं है ये बेस्ट थिंग ये आपको ट्यूब में मिल रहा है पाउचेज में मोस्टली होता क्या कट करने के बाद आप उन्हें छोड़ देते वो सूख भी सकता है बट यहाँ पर आपको ट्यूब अच्छे से आप उसे लॉक कर सकते हैं लाइक ट्यूब के साथ नॉट है आप बंद कर सकते हैं उसे कैप के साथ तो ये छह छोटी छोटी सी ट्यूब मिलेंगी जिनका साइज काफ़ी छोटा है बट इसको आप दो बार तो यूज़ कर सकते हैं आराम से तो सबसे पहले है स्टेप वन क्लिनजिंग सो स्टेप वन से हम अपने फेस को अच्छे से क्लींजिंग करेंगे फेस को क्लीन करेंगे क्लियर करेंगे क्योंकि जो भी डर्ट पोल्यूशन है वो निकल जाए इसके बाद आता है स्टेप टू जिसमें है स्क्रब सो अब हम अपने फेस को करेंगे स्क्रब एंड अपकोर्स आपको याद रखना चाहिए कि जब भी आप स्क्रब करें ना तो अच्छे से स्क्रबिंग करें और स्क्रब काफ़ी टाइम बाद थोड़ा सा लाइक like, मेल्ट नहीं होना चाहिए लेकिन उसको गीले कपड़े से आपको अच्छे से पूछ लेना है देन उसके बाद आता है स्टेप थ्री सर्फकॉज स्टेप थ्री है हमारा जेल जेल के लिए मैं बोलूँगी कि जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है वो जेल का कम यूज़ करें और जिनकी स्किन ऑयली है वो जेल का ज़्यादा यूज़ करें तो मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई एंड कॉम्बिनेशन स्किन है तो मैं जेल को कम यूज़ करती हूँ मतलब एक दो राउंड मसाज करने के बाद मैं उसको रिमूव कर देती हूँ और मैं सबसे ज़्यादा मसाज करती हूँ क्रीम से जो कि है हमारा स्टेप फोर स्टेप फोर में मैंने क्रीम ली एंड एनावा मैं क्रीम से मसाज करूँगी एंड क्रीम से आपको मसाज सबसे ज़्यादा देर तक करनी है कि क्रीम पूरी तरीके से आपके फेस में एबसॉर्व हो जाए येस yes, एग्जैक्टली exactly वो एब्सॉर्व हो जाए साथ में मैं यहाँ पर वाइटामिन ई के कैप्सूल्स ले रही हूँ ये अलग से ऐड एड करी हूं, मैं इसके साथ में कुछ भी नहीं है ये मैंने भी ये भी एक ऑफलाइन परचेज़ है मैंने दिया एक अच्छी खासी एक छोटी सी डिब्बी में आपको ढेर सारे कैप्सूल्स हंड्रेड के अराउंड मिल जाते हैं दो तीन कैप्सूल मैं यूज़ कर लेती हूँ इसको मैं अपने जब हेयर केयर करती हूँ तब भी यूज़ करती हूँ फेस केयर में भी इसे यूज़ कर लेते हैं क्रीम के तुरंत बाद जब आपकी क्रीम अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए देन आप इस वाइटमिन के कैप्सूल्स को लगा सकते हैं आप देख सकते हैं एक अच्छा सा ग्लो एक अच्छी सी ऑयल स्किन में हो जाता है इसके बाद आता है स्टेप फाइव जो कि है पैक सो so पैक लगाएंगे और ये पर्ल है लेकिन येलो कलर का और इसकी जो स्मेल है ना पूरे प्रोडक्ट्स की मैं आपको बता रही हूँ उसका स्क्रब हो जेल हो क्रीम हो क्लिंजर हो सबकी स्मेल बहुत अमेजिंग है आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा सो so पैक लगाने के बाद मैं वेट करूंगी पैक के सूखने का सो एज़ यू कैन सी पैक सूख गया है तो मैं इसको गीले कपड़े से अच्छे से रिमूव कर दूँगी फेस वॉश नहीं करने वाली हूँ मैं इसको अच्छे से रिमूव कर दूँगी तो आप भी गीले टॉवल से इसको अच्छे से रिमूव कर दीजिए एक एक चीज़ टैन एंड इसके बाद आप like they feast. मुझे बहुत क्लीन लग रहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी विद विदी प्रोडक्ट इसके बाद आता है स्टेप सिक्स जो कि है हमारे पास इस तरह के एक मॉइस्चराइजर जेल मॉइस्चराइजर इसे मसाज करना है एंड मसाज करने के बाद आपको छोड़ देना है इसे पूरी रात के लिए ओवर नाइट के लिए एंड इसके बाद सुबह जो ग्लो आता है ना वो बहुत अमेजिंग होता है मतलब मुझे लगता है आपको जरूर ट्राई करना चाहिए और फेशियल के लिए मैं एक आपको एक इंटरनल टिप देने वाली हूँ कि अगर आपको फेशियल में ग्लो चाहिए तो उससे पहले अपने क्लीन फेस को क्लीन करके ब्लीच जरूर कर लीजिएगा सो ब्लीच करने से क्या होता है ना कि फेस और अच्छे से ग्लो करता है सो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा रिव्यू वीडियो मुझे जरूर बताएगा कॉमेंट सेक्शन में, में मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब बहुत अमेजिंग वीडियोस आपको इसमें मिलने वाले हैं सो मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अमेजिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर बोल